8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना को लेकर सोनीपत प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सोनीपत के मोना स्थित बिट्स कॉलेज में जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना की जाएगी। मतगणना केंद्र का जायजा लेने के बाद डीसी सोनीपत ने कहा कि 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की जाएगी। मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू की गई है और रूट को डायवर्ट किया गया है। सोनीपत विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में बंद हो चुका है। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सीमा सुरक्षा बल, इंडियन रिजर्व बटालियन और पुलिस के त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखा गया। सोनीपत की 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम और वीवीपैट मशीन मोहाना स्थित बिट्स कॉलेज में बनाए गए 6 स्ट्रांग रूम में रखवाई गई है। डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को रखने और कमरे को सील करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई है। सभी दरवाजों और खिड़कियों को सील कर दिया गया है। सभी स्ट्रांग रूम को डबल लॉक किया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। रूम के परिसर तक आने और जाने वालों के लिए लॉग बुक लगाई गई है, जिसमें उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। शनिवार को मतदान संपन्न होने के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को जीपीएस युक्त गाड़ियों द्वारा स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया। जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना बिट्स कॉलेज के मोहना में होगी। बिट्स में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर 250 कर्मी तैनात किए गए हैं। 3 लेयर घेरा बनाया गया है। पहले घेरे में बीएसएफ के जवान तैनात हैं, दूसरे घेरे में आईआरबी के जवानों को नियुक्त किया गया है, वहीं तीसरे घेरे में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। डीसी सोनीपत ने कहा कि मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से अलर्ट है। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जवानों के साथ ही सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए मतगणना केंद्र और लघु सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कल इस रूट का ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। जो 500 मीटर से अंदर सिर्फ जो काउंटिंग स्टाफ है, जो पोलिंग एजेंट्स अपॉइंट करवाए हैं कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट और उनके एजेंट, वो ही लोग इसके अंदर आने दिया जाएगा। इस सारे रीजन में कोई भी व्हीकल पार्क नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए धारा 163 बीएनएसएस जो पुरानी 144 सीआरपीसी की धारा थी वो लगा दी गई है। 3 टायर हमारी सिक्योरिटी रहेगी बाहर, सबसे पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस रहेगी, फिर हमारे आईआरबी के जवान रहेंगे और अंदर फिर सीएपीएफ भी रहेगी। उसी तरीके से जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है उनकी भी 3 टायर सुरक्षा है, अंदर सीएपीएफ रहेगी, कैंडिडेट्स की मौजूदगी में, उनके एजेंट्स की मौजूदगी में और उनके पोलिंग एजेंट्स रहेंगे उनकी मौजूदगी में मतगणना होगी। पूरा प्रोसेस वीडियोग्राफ किया जाएगा, सारे के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पे पुख्ता इंतजाम आज अपने सुनिश्चित किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सोनीपत जिले की 6 विधानसभा में सोनीपत, खरखोदा, बड़ौदा, गोहाना, गन्नौर और राई में चुनाव हुआ, जहां 3 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर और 3 पर निर्दलियों के चुनाव में खड़े होने के कारण त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। अब देखना होगा कि कल किस प्रत्याशी को जीत मिलती है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।